यह क्रिप्टो बाजार में एक पागल वर्ष रहा है और कई लोग सोच रहे हैं कि क्या यह पागलपन 2022 में जारी रहेगा। इस संबंध में भविष्यवाणियों की कोई कमी नहीं है। कुछ का कहना है कि हम लगातार समय के उच्च चक्र में प्रवेश करेंगे और अन्य कह रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसी का अंत उच्च है। खैर, आज मैं आपको आने वाले वर्ष के लिए अपनी व्यक्तिगत क्रिप्टो भविष्यवाणियां देने जा रहा हूं और उनमें से कुछ ने मुझे लालच क्यों महसूस किया और दूसरों ने मुझे डर लग रहा है। सुनिश्चित करें कि आप अंत में बोनस की भविष्यवाणी करने से नहीं चूके हैं। अब मुझे पता है कि मुझे जो कहना है उसे सुनने के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन अस्वीकरण के बिना जारी रखना ठीक नहीं होगा। इस वीडियो में कुछ भी वित्तीय या निवेश सलाह नहीं है, यह सिर्फ मनोरंजक शैक्षिकी सामग्री है। मुझे इसे दो बार मत कहो। यदि आप अपना निवेश सही करना चाहते हैं तो कृपया किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। अगर मैं आपकी साइट पर पहली बार आया हूं, तो मेल थ्योरी चैनल में आपका स्वागत है और क्रिप्टो वह है जो मुझे पसंद है। हमारा चैनल कुछ उच्चतम गुणवत्ता वाली क्रिप्टो सामग्री ऑनलाइन सिक्के टोकन समाचार समीक्षा और अन्य क्रिप्टो से संबंधित विषयों का घर है जो मेरे दिमाग को पार कर गया है। यदि आप यहां इसी के लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अधिक प्राप्त उस नोटिफिकेशन बेल को पिंग करें। यदि समय आपके पक्ष में नहीं है तो आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प का उपयोग किसी भी दिलचस्प विषय पर आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। बस इतना याद रखें कि आप जितनी देर तक टिके रहेंगे, यह वीडियो उतना ही अधिक मिलता जाएगा। तो अब जब आप मेरी स्थिति को समझ गए हैं, तो आइए मेरी क्रिप्टो भविष्यवाणियों को इंपैक्ट करें। 2022 के लिए मेरी पहली क्रिप्टो भविष्यवाणी यह है कि यूएसडीसी मार्केट कैप द्वारा सबसे बड़ी स्थिर मुद्रा बनने के लिए यूएसडी को फ्लिप करेगा। अब भले ही यूएसडीसी का मार्केट कैप वर्तमान में यूएसडीटी के लगभग आधा है, यूएसडीसी 2020 के अंत से यूएसडीटी की तुलना में तेज दर से बढ़ रहा है। चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 2021 में यूएसडीसी का मार्केट कैप 10x से अधिक बढ़ा, जबकि यूएसडीटी का मार्केट कैप इसी अवधि के दौरान केवल 4x बढ़ा। अब यह कुछ कारणों से है। शुरुआत के लिए यूएसडीटी की अधिकांश मांग से आ रही थी चीनी निवेशक, जो क्रिप्टोकरेंसी के लिए टीथ को चालू और बंद रैंप के साथ साथ देश से बाहर पैसे ले जाने के साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। सितंबर 2021 में चीन के क्रिप्टो क्रैकडाउन के बाद से यूएसडीटी की चीनी मांग में काफी गिरावट आई है, जिससे क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों ने चीनी उपयोगकर्ताओं को अवरुद्ध करना शुरू कर दिया है। उसी समय यूएसडीटी जारीकर्ता टीथर ने विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामकों से महत्वपूर्ण जांच देखी है। अब उनकी अधिकांश चिंताएं प्रचलन में यूएसडीटी का समर्थन करने वाली परिसंपत्तियों से संबंधित हैं और हमें उक्त परिसंपत्तियों के बारे में पारदर्शिता बताती हैं। इसके विपरीत यूएसडीसी के मुद्दे इस अकल के पास अपने भंडार का खुलासा करने का एक अधिक ठोस ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और हालांकि इसे भी जांच के अपने उचित हिस्से का सामना करना पड़ा है, तथ्य यह है कि सकल भी संयुक्त राज्य में स्थित है। इसने यूएसडीसी को और अधिक भरोसेमंद स्थिर बना दिया है व्यक्तियों और संस्थानों के लिए समान रूप से सिक्का। और अंतिम लेकिन कम से कम ऐसा लगता है कि सकल का यूएसडीसी सिंथेटिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा बन सकता है, जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हालिया क्रिप्टो रिपोर्ट द्वारा समझाया गया है। 2022 के लिए मेरी दूसरी क्रिप्टो भविष्यवाणी यह है कि हम देखेंगे कि और अधिक देश अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं या सीबीडीसी लॉन्च करेंगे। ध्यान दें कि यह भविष्यवाणी तथाकथित खुदरा सीबीडीसी से संबंधित है, जिसका उपयोग नियमित लोग करेंगे, और थोक सीबीडीसी से संबंधित नहीं है, जिसका उपयोग चुनिंदा व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किया जाएगा। डेविल वास्तव में अब तक किसी भी तरह से विस्तार से है, केवल दो देशों ने खुदरा सीबीडीसी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पहला बहामास है, जिसका रेट डॉलर अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुआ, और दूसरा नाइजीरिया है,
जिसका एनिरा अक्टूबर 2021 में लॉन्च हुआ। सीबीडीसी ट्रैकर ऑक के अनुसार चीन, उरुग्वे, घाना और कैरेबियन द्वीप समूह का एक समूह वर्तमान में अपने सीबीडीसी विकास के पायलट चरण में है, जो पूर्ण पैमाने पर रोल आउट से पहले अंतिम चरण है। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि ये सभी देश 2022 के अंत तक अपने सीबीडीसी पायलटों को पूरा करेंगे या नहीं। चीन द्वारा फरवरी में आगामी शीतकालीन ओलंपिक के बाद अपना डिजिटल यूएन लॉन्च करने की उम्मीद है। जैसा कि आपने देखा होगा, इन सभी देशों में जो समानता है वह यह है कि वे छोटे हैं और आंशिक रूप से चीन को छोड़कर अमेरिकी डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। बेशक अब डॉलर के साथ हमने जो रिकॉर्ड मुद्रास्फीति देखी है उससे दुनिया भर में सीबीडीसी के विकास में तेजी आने की संभावना है, क्योंकि देश अपने पैसे पर अधिक नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। फिएट के विपरीत सीबीडीसी केंद्रीय बैंकों को प्रचलन में मुद्रा को बनाने और नष्ट करने की शक्ति देता है, जिससे सैद्धांतिक रूप से उन्हें मुद्रास्फीति पर काबू पाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ट्रेड ऑफ यह है कि केंद्रीय बैंक हर किसी के बैंक बैलेंस के नियंत्रण में होगा, कुछ ऐसा जिसका व्यक्ति और संस्थान दोनों स्पष्ट रूप से विरोध करेंगे और आपके विचार से अधिक कारणों से। इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम जो मुद्रास्फीति देख रहे हैं वह जानबूझकर है, क्योंकि जिस तरह से आप किसी को इस तरह की डायस्टोपियन प्रणाली को अपनाने के लिए मना सकते हैं वह है भौतिक फिएट के मूल्य को बढ़ाना। मजे की बात यह है कि कई देश अपने सीबीडीसी बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से स्टेलर और यूक्रेन को विकसित करने के लिए क्रिप्टो परियोजनाओं के साथ साझेदारी कर रहे हैं। यह मेरी एक और साजिश थी जो सच हो गई। अब यदि आप सीबीडीसी विकसित करने वाले कुछ देशों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और कौन सी क्रिप्टो कंपनियां लाभान्वित हो सकती हैं, तो विवरण में लिंक देखें। 2022 के लिए मेरी तीसरी क्रिप्टो भविष्यवाणी यह है कि कम से कम एक अन्य देश बीटीसी को कानूनी निविदा के रूप में अपनाएगा। एकमात्र देश जो वर्तमान में बीटीसी को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करता है वह निश्चित रूप से अल सल्वाडोर है, और इसने बिटकॉइन को उन्हीं कारणों से अपनाया है क्योंकि अधिकांश देश सीबीडीसी विकसित कर रहे हैं जो अमेरिकी डॉलर पर एक घातक निर्भरता है। ऐसा लगता है कि अल साल्वाडोर का बिटकॉइन अपनाना अब तक सफल रहा है, हालांकि यह ज्यादातर देश में क्रिप्टो उद्योग से देखी गई पूंजी की आमद के कारण हो सकता है। कारण जो भी हो, प्रत्येक बीतता दिन इस बात का प्रमाण है कि अल साल्वाडोर जो कर रहा है वह काम कर रहा है और इस क्षेत्र के अन्य देश करीब से देख रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में लैटिन अमेरिका में बिटकॉइन अपनाने के बारे में बताया था, पराग्वे और पनामा के अल साल्वाडोर के नक्शे कदम पर चलने की सबसे अधिक संभावना है। जैसा कि ऐसा होता है, पराग्वे देश में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए एक व्यापक ढांचा बनाने के बहुत करीब है, हालांकि यह बिटकॉइन अपनाने के लिए अनुवाद नहीं करता है। जो सक्षम होंगे पराग्वे की प्रचुर और सस्ती अक्षय ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए। पराग्वे में भी अल साल्वाडोर के समान प्रोफाइल है, वे दोनों विकासशील, इसका मतलब है कि एक इसके विपरीत पनामा की अर्थव्यवस्था अधिक विकसित है और यह अमेरिकी डॉलर के साथ काम करने में अधिक सहज प्रतीत होता है, शायद इसलिए कि इसका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बेहतर संबंध है। जैसे यह लगभग संभावना नहीं है कि यह देश किसी भी सार्थक तरीके से बिटकॉइन को अपनाएगा, भले ही ऐसे बहुत से राजनेता हैं जो प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। 2022 के लिए मेरी चौथी क्रिप्टो भविष्यवाणी यह है कि हम विकेंद्रीकृत डिजिटल आईडी के विकास और व्यापक रूप से अपनाने को देखेंगे। मैं यह कहकर शुरू करूंगा कि विकेंद्रीकृत डिजिटल आईडी या डीआईडी केंद्रीकृत डिजिटल आईडी की तरह बिल्कुल नहीं है कि कई सरकारें इन दिनों इतनी सूक्ष्मता से जोर नहीं दे रही हैं। बोलियां अलग हैं क्योंकि अद्वितीय पहचान अक्सर केंद्रीय पार्टी के उपयोग के बिना सत्यापित की जाती है। यह पहचान करने वाली जानकारी एक केंद्रीय पार्टी द्वारा संग्रहित नहीं की जाती है और शून्य ज्ञान प्रमाणों का उपयोग करके गोपनीयता को संरक्षित किया जाता, लेकिन तब से उठाया गया है।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे वास्तविक नियामकों ने संकेत देना शुरू कर दिया कि वे पिछले साल अपनी अंतिम क्रिप्टो सिफारिशों में स्व होस्टेड वॉलेट के बाद जा रहे होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो यह संभव है कि नियामक स्वयं होस्ट किए गए वॉलेट पर इस आधार पर कार्रवाई करेंगे कि उनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और इसी तरह के लिए किया जा सकता है, और इसके खिलाफ सबसे अच्छा बचाव एक मजबूत डीड है जो स्वीकार्य रूप से अन्यायपूर्ण और अनुचित नियमों का अनुपालन करते हुए गोपनीयता को बरकरार रखता है। यह विकेंद्रीकृत वित्त या DFI के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिसने पिछले साल नियामकों से महत्वपूर्ण जांच की थी और संभवतः आगे भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। वहां की चिंताएं कमोबेश वैसी ही हैं। हम यह नहीं पहचान सकते कि इन DeFi प्रोटोकॉल का उपयोग कौन कर रहा है, इसलिए इनका उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वतः ही अपराधी हो जाता है। अभी यह जितना मूर्खतापूर्ण है, तथ्य यह है कि DeFi में DEX का उपयोग संस्थागत निवेशकों को इस क्रिप्टो क्षेत्र में अधिक सहज महसूस कराएगा, और यह क्रेडिट योग्य उपयोगकर्ताओं को अनुमति देकर DeFi प्रोटोकॉल की अगली पीढ़ी के लिए भी द्वार खोलेगा। कम संपार्श्विक के साथ अधिक उधार लें। अन्य बातों के अलावा, अंत में DID विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठनों या DAO के विकास और कानूनी मान्यता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिनके टोकन भारत शासन संरचनाओं का मतलब है कि कई क्रिप्टो परियोजनाओं का भविष्य वर्तमान में वेल्स द्वारा निर्देशित है। 2022 के लिए मेरी 5वीं क्रिप्टो भविष्यवाणी है कि 1 बिलियन क्रिप्टो धारक होंगे। अभी दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन है, और यह आंकड़ा शायद अधिक है क्योंकि अधिकांश लोग अपनी क्रिप्टो को केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर रखते हैं, और कनाडा और अन्य जगहों पर भौतिक रूप से समर्थित क्रिप्टो ETF के शेयर रखने वाले लाखों लोग भी हैं। अब उस नोट पर अपने सभी सिक्कों और टोकन को अपने क्रिप्टो वॉलेट में रखना याद रखें, क्योंकि जब आपका क्रिप्टो एक्सचेंज पर होता है तो यह एक्सचेंज का होता है, न कि आपका। मेरी शीर्ष क्रिप्टो वॉलेट सिफारिशें वैसे भी विवरण में हैं। 2021 में अनुभव किए गए बिटकॉइन और एथेरियम को अपनाने में तेजी के अलावा, कई परत 2S और एथेरियम प्रतियोगियों ने भी लाखों उपयोगकर्ताओं को आकर्षित किया है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि बिटकॉइन और एथेरियम पर शुल्क औसत व्यक्ति के लिए बहुत महंगा है, और यही कारण है कि कुछ परत 2 जैसे कि बहुभुज उनके द्वारा बनाए गए ब्लॉकचेन की तुलना में अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं को देखना शुरू कर रहे हैं। जहां तक क्रिप्टो अपनाने की बात है, कम शुल्क से अधिक महत्वपूर्ण एकमात्र चीज पहुंच है, और यह एक ऐसी चीज है जिसे कई क्रिप्टो परियोजनाओं ने ऐतिहासिक साझेदारी के माध्यम से हासिल किया है, जैसे कि स्टेलर और मनीग्राम के बीच, जो करोड़ों क्रिप्टो धारक बना सकता है अपना। अन्य क्रिप्टो प्रोजेक्ट जैसे कि वर्ल्ड कॉइन का भी लक्ष्य मुफ्त क्रिप्टो देकर करोड़ों क्रिप्टो धारकों को जोड़ना है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है, जब कुछ मुफ्त होता है तो इसका मतलब है कि आप उत्पाद हैं, और वर्ल्ड कॉइन के मामले में जो आप बदले में दे रहे हैं वह बायोमेट्रिक डेटा है। क्रिप्टो अपनाने का एक अन्य कारक वर्तमान वित्तीय प्रणाली का धीमा पतन है, जो कुछ देशों में दूसरों की तुलना में आगे है। तुर्की कई देशों में से एक है जहां क्रिप्टो भुगतान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि लोग वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्रा के बजाय उनका उपयोग कर रहे थे और तुर्की लीरा की मुद्रास्फीति से अपनी क्रय शक्ति की रक्षा कर रहे थे। मुझे यकीन है कि अगले साल अन्य देशों में इसे आजमाया जाएगा, क्योंकि अन्य फिएट मुद्राएं गिरने लगती हैं और CBDC अंतर को भरने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी बात यह है कि सरकारों ने अभी भी। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में मुद्रास्फीति कितनी खराब है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कैसे मापा जाता है, इस बारे में वीडियो देखें। मेरी 6वीं क्रिप्टो भविष्यवाणी 2022 के लिए मेरी 5वीं क्रिप्टो भविष्यवाणी में शामिल है, और यह है कि मेटावर्स तथा NFT ब्लॉकचेन गेमिंग और एक ही छतरी के नीचे आने वाले अन्य क्रिप्टो निचे के विकास के साथ जारी रहेगी।
सकारात्मक प्रभावों के अलावा इन निशानों का व्यक्तिगत स्तर पर क्रिप्टोक्यूरेंसी अपनाने पर भी पड़ेगा। वे संस्थागत स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने के लिए भी प्रेरित करेंगे। हमने पहले ही एक दर्जन से अधिक बड़ी ब्रांड कंपनियों को NFT में प्रवेश करते देखा है। नवीनतम एडिडास, जिसका NFT संग्रह ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा बनने में कामयाब रहा। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो NFT संग्रह बनाने वाली अधिकांश कंपनियां खुदरा या रेस्तरां उद्योग में हैं, और यह कोई संयोग नहीं है। आपूर्ति श्रृंखला की कमी से दोनों उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, और आपको NFT बेचने के लिए वास्तव में आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने परिधान दिखाने के लिए किसी भौतिक स्थान की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप एक वर्चुअल बना सकते हैं तो यह उतना ही अच्छा है। और जैसे जैसे तकनीक में सुधार होगा, संभावना है कि दोनों के बीच की रेखा धुंधली होने लगेगी। मेटावर्स में इस तरह के स्थान को बनाए रखने के लिए ओवरहेड्स बहुत कम हैं, जो निश्चित रूप से मेटावर्स पुश में एक भूमिका निभा रहा है, जिसे हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है। जबकि फेसबुक के मेटा रिब्रांड को कई लोग वर्तमान मेटावर्स आंदोलन का मूल मानते हैं, यदि आप कुछ कदम पीछे हटते हैं तो आप कह सकते हैं कि हम पहले से ही उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इसलिए जुकरबर्ग ने इसमें कूदने का फैसला क्यों किया? लोग अपना अधिक से अधिक समय ऑनलाइन बिता रहे हैं, और इस ऑनलाइन समय का अधिक से अधिक समय कुकी कटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बजाय मल्टीप्लेयर वीडियो गेम में डूबे रहने में व्यतीत हो रहा है। आपको याद होगा कि कोफाउंडर जेफरी ज़िलिन का मानना है कि अगली पीढ़ी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटावर्स गेम्स से अप्रभेद्य होंगे, और वह कम से कम जुलाई 2021 से ऐसा कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह बहुत संभावना है कि अगला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ब्लॉकचेन गेम होगा, और यह एक क्रिप्टो आला है जिसे गेमिंग उद्योग में बड़ी नामी कंपनियों जैसे यूबीसॉफ्ट द्वारा भी खोजा जा रहा है। बात यह है कि एडिडास, मेटा और यूबीसॉफ्ट इन क्षेत्रों में क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजनाओं के रूप में तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उनकी सभी क्रिप्टो गतिविधियों को नियामकों द्वारा जांच के साथ देखा जाएगा। इसलिए इस तथ्य को देखते हुए मुझे लगता है कि केंद्रीकृत कंपनियां मेटावर्स से संबंधित प्रयासों का समर्थन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर बनाने में अधिक भूमिका निभा रही हैं, जबकि विकेंद्रीकृत क्रिप्टो समुदाय सामग्री और अनुभवों के प्राथमिक निर्माता होंगे, जो मेटावर्स को सार्थक और मूल्यवान बनाएंगे। ये 2022 के लिए मेरी 7वीं क्रिप्टो भविष्यवाणी से संबंधित है, और यह है कि ब्लॉकचेन से परे क्रिप्टोकरेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकेंद्रीकृत करने के लिए एक बड़ा धक्का होगा। इस साल की शुरुआत में हाल ही में अमेज़न वेब सर्विसेज आउटेज और यूनिस्वैप के केंद्रीकृत इंटरफेस से टोकन डिलिस्टिंग ने साबित कर दिया है कि अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट सेंसरशिप और विनियमन से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो बहुत सारे खनिक और सत्यापनकर्ता होने के लिए पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि कई अपौराने वाली DeFi परियोजनाओं जैसे कि कार्डानो पर संडे स्वैप डेक ने एक केंद्रीकृत क्लाउड सर्वर के बजाय इंटरप्लानेटरी फाइल सिस्टम या IPFS पर अपने फ्रंट एंड को होस्ट करने का विकल्प चुना है। क्रिप्टोगेमिंग प्रोजेक्ट जैसे गाला गेम्स भी गेम विशिष्ट नोड्स के अपने नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं। इस बीच डिसेंट्रलॉन जैसे मेटावर्स प्रोजेक्ट अपने समुदाय सर्वर के विकेंद्रीकृत नेटवर्क को स्केल करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं, जो उनकी सामग्री को होस्ट करते हैं। यहाँ तक कि नीर प्रोटोकॉल जैसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिप्टोकरेंसी भी अपने डेवलपर्स को विकेंद्रीकृत स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे कि अपबीट की ओर इशारा कर रही हैं। ये सब ठीक है और अच्छा है, लेकिन भले ही पूरे क्रिप्टोकरेंसी स्टैक को ऊपर से नीचे तक विकेंद्रीकृत किया जाए, फिर भी केंद्रीकृत विफलता का एक एकल बिंदु होगा। इंटरनेट या अधिक सटीक रूप से इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट के भौतिक बुनियादी ढांचे को विकेंद्रीकृत कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जिस पर हीलियम जैसी क्रिप्टो परियोजनाएं ध्यान केंद्रित कर रही हैं, और कुछ भाग्य के साथ हमें अधिकांश प्रमुख शहरों में कुछ महत्वपूर्ण पीयर टू पीयर 5G इंटरनेट कवरेज देखना चाहिए अगले साल के अंत। अब यदि आपने पहले कभी हीलियम के बारे में नहीं सुना है
तो मैं दृढ़ता से सुझाव देता हूं कि परियोजना के बारे में वीडियो देखें। 2022 के लिए मेरी आठवीं क्रिप्टो भविष्यवाणी यह है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकृत क्रिप्टोकरेंसी के लिए अधिक एक्सचेंज ट्रेडेड उत्पाद देखेंगे, विशेष रूप से एथेरियम फ्यूचर्स ETF और स्पॉट बिटकॉइन ETF। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज या CME द्वारा हाल ही में माइक्रो ईट फ्यूचर्स के लॉन्च को देखते हुए एथेरियम फ्यूचर्स ETF की विशेष रूप से संभावना है। इससे पता चलता है कि एथेरियम की मजबूत संस्थागत मांग है और पहले दो हफ्तों में कारोबार किए गए 100 के माइक्रोई वायदा अनुबंधों ने इस दावे को बल दिया है। इसके अलावा SEC के अध्यक्ष गैरी जेम्सलर ने कई मौकों पर कहा है कि उन्हें CME फ्यूचर्स जैसे विनियमित वित्तीय साधनों द्वारा समर्थित किसी भी क्रिप्टो ETF को मंजूरी देने में खुशी होगी। इसलिए SEC ने पिछले साल के अंत में 3 बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF को मंजूरी क्यों दी। जब स्पॉट बिटकॉइन ETF की बात आती है, तो मैंने हाल के एक वीडियो में अनुमान लगाया है कि इस तरह के निवेश साधन स्वाभाविक रूप से नियामकों की नज़र में संपत्ति को रखने के लिए योग्य एकमात्र संस्थान बड़े बैंक हैं, और शायद यही कारण है कि विजडम ट्री ने हाल ही में SEC द्वारा अस्वीकार किए जाने के तुरंत बाद एक विरासत बैंक के साथ अपने स्पॉट बिटकॉइन ETF को परिष्कृत किया। जिसके बारे में बोलते हुए SEC ने पिछले कुछ महीनों में लगभग हर बकाया स्थान बिटकॉइन ETF आवेदन को खारिज कर दिया है। पस से बचने वाले 2 आवेदन ग्रेस्केल और बिटवाइज द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। अब इन 2 स्पॉट बिटकॉइन ETF अनुप्रयोगों पर निर्णय फरवरी की शुरुआत में स्थगित कर दिया गया है। इसलिए ऐसा होने पर अपने कैलेंडर को चिन्हित करें, क्योंकि यह वर्तमान बुल मार्केट के शीर्ष को चिन्हित कर सकता है। अब अगर उस टिप्पणी ने इसे दूर नहीं किया, तो 2022 के लिए मेरी 9वीं क्रिप्टो भविष्यवाणी यह है कि वर्तमान बुल मार्केट समाप्त हो जाएगा और भालू बाजार शुरू हो जाएगा, लेकिन केवल तभी जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। पहली शर्त किसी प्रकार का उत्प्रेरक है जो अत्यधिक प्रचार पैदा करेगा और क्रिप्टो कीमतों को अस्थिर उच्च तक ले जाएगा, जैसे कि स्पॉट बिटकॉइन ETF की स्वीकृति। अब मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि पिछले बुल मार्केट में BTT टॉप उसी दिन हुआ था जब बिटकॉइन फ्यूचर्स ने 2017 में CME पर कारोबार करना शुरू किया था। संभावना है कि यह एक स्पॉट बिटकॉइन ETF के साथ फिर से होगा, और इसके लिए मेरे सबूत यह रिकॉर्ड मात्रा में आमद है जिसे हमने पहले बिटकॉइन फ्यूचर्स ETF के साथ देखा था जब इसे संयुक्त राज्य में सूचीबद्ध किया गया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तब से अंतर्वाह और ट्रेडिंग वॉल्यूम में काफी गिरावट आई है। दूसरी शर्त जो मौजूदा बुल मार्केट के अंत का संकेत देती है, वह एक मैक्रो फैक्टर है जो सभी एसेट मार्केट को नए ऑल टाइम हाई पर ले जाता है। यह हाल ही में मारे गए बिल्ड बैक बेटर बिल के पुनरुद्धार और अनुमोदन के रूप में कुछ सरल हो सकता है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर का इंजेक्शन लगाएगा। इस दूसरी स्थिति के लिए महामारी का अंत भी एक दावेदार है, लेकिन मैं उसके साथ अपनी सांस नहीं रोक रहा हूं। ऐसा लगता है कि कोविड यथासंभव लंबे समय तक टिके रहने के लिए दृढ़ है। तीसरी शर्त जो मौजूदा बुल मार्केट के अंत का संकेत देगी, वह एक मैक्रो फैक्टर है जो सभी परिसंपत्ति बाजारों को टैंक करता है और बोर्ड भर में बुलबुले फोड़ता है। यहाँ के कमरे में हाथी हाल ही में एवरग्रैंड डिफॉल्ट है, जिसे कुछ समय के लिए समाहित किया जा रहा है। हालांकि कुछ का तर्क होगा कि डोमिनोज पहले से ही बनना शुरू हो चुके हैं। अभी हमारी बारी नहीं आई है। फेडरल रिजर्व की चल रही टेम्प भी है और मार्च में ब्याज दरें बढ़ाने की योजना है, जिसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा जो इस तरलता के आदि हो गए हैं। बुल मार्केट को समाप्त करने के लिए चौथी और अंतिम शर्त जिसे पूरा करने की आवश्यकता है, वह एक क्रिप्टो विशिष्ट कारक है जो क्रिप्टो बाजार को क्रैश करता है। वास्तव में काले हंसों की कोई कमी नहीं है। यहाँ हाल ही में पारित इंफ्रास्ट्रक्चर बिल में खराब शब्दों वाले प्रावधानों के कारण टीथर पर एक क्रैकडाउन, सामान्य रूप से स्थिर स्टॉक पर एक क्रैकडाउन, क्रिप्टो डेवलपर्स पर एक क्रैकडाउन,
इसी कारण से क्रिप्टो खनिकों और सत्यापनकर्ताओं पर कार्रवाई, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर क्रिप्टो वॉलेट पर कार्रवाई, उसी कारण से DFI पर कार्रवाई, पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण क्रिप्टो खनन पर कार्रवाई, ऊर्जा की कमी, सामान्य FUD के कारण क्रिप्टो माइनिंग पर कार्रवाई। अब एक बात जिसका पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया है, वह है पूर्व का भारी आपूर्ति झटका जब इथेरियम काम के प्रमाण से हिस्सेदारी के प्रमाण में संक्रमण करता है। इका लगभग 7.5% आपूर्ति और गिनती वर्तमान में दांव पर लगाई जा रही है कि ETH और कोई भी अर्जित दांव पुरस्कार वर्तमान में बंद है, लेकिन अगले कुछ महीनों में विलय होने पर अनलॉक हो जाएगा। रियल विजन फाइनेंस के संस्थापक राल्फ पॉल जैसे कई मैक्रो विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि एथेरियम 20 के लाइव होने पर स्टेकर्स के बिकवाली के दबाव से एथन की कीमत गिर जाएगी। मैं असहमत होने के लिए इच्छुक होगा क्योंकि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि एथन एक्सचेंजों की आपूर्ति ऐतिहासिक चढ़ाव पर है, जिसका अर्थ है कि कीमत को नीचे खींचने के लिए अधिक बिक्री दबाव नहीं होगा। जब आप इसे उन सभी परिसमापनों के साथ जोड़ते हैं जो हमें लीवरेज्ड फ्यूचर्स ट्रेडर्स से देखने की संभावना है, तो आपके पास क्रिप्टो क्रैश के लिए एक नुस्खा है, खासकर जब से कई DeFi प्रोटोकॉल एथन के मूल्य पर निर्भर हैं। आप क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार पर फ्यूचर्स लिक्विडेशन के प्रभावों के बारे में अधिक जान सकते हैं। 2022 के लिए मेरी 10वीं क्रिप्टो भविष्यवाणी मेरी 9वीं भविष्यवाणी का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन यह अपने स्वयं के खंड के योग्य है। क्वांटम कंप्यूटिंग अब मजेदार रूप से पर्याप्त है। मैंने 2021 के लिए अपने पिछले क्रिप्टो भविष्यवाणियों के वीडियो में क्वांटम कंप्यूटिंग का उल्लेख किया था, और मेरी भविष्यवाणी तब हुई थी, उद्धरण, क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिप्टो स्पेस में केंद्र स्तर पर ले जाएगा। अब यह वास्तव में अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका इस तथ्य से कुछ लेना देना है कि हम एक बुल मार्केट में हैं और क्रिप्टोक्यूरेंसी के संदर्भ में क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बात करना बिल्कुल तेज नहीं है, कम से कम कहने के लिए। उसने कहा, हमने पिछले वर्ष में कई क्वांटम प्रतिरोधी क्रिप्टो परियोजनाएं देखी हैं, जिनमें पहली डिजिटल मुद्रा के निर्माता डेविड चाओ द्वारा स्थापित एक भी शामिल है। हमने कुछ क्रिप्टो परियोजनाओं की घोषणा करते हुए भी देखा है कि वे निकट भविष्य में क्वांटम प्रतिरोधी तकनीक पेश करेंगे, जिसका नाम अल्गोरिथम हैक है। यहां तक कि कुछ सरकारों ने इस साल अपने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के लिए क्वांटम प्रतिरोध का युद्ध परीक्षण शुरू करने की योजना बनाई है। अब स्पष्ट होने के लिए, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्वांटम कंप्यूटर इस साल क्रिप्टोकरेंसी के लिए खतरा बन जाएंगे। यह एक लंबा रास्ता तय करना है, और अगर यह गुप्त रूप से नहीं है तो मूल रूप से दुनिया का हर एक एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर जोखिम में होगा और बिटकॉइन जितना मजबूत ब्लॉकचेन से कहीं अधिक होगा। बेशक हमारे पास एक साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ एक टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है जो मेरे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो का खुलासा करता है। हमारे पास एक पॉडकास्ट भी आ रहा है, जहां मैं एक और एकमात्र पुरुष सिद्धांत के साथ घंटे भर की चर्चा में जटिल क्रिप्टो विषयों को सरल बनाता हूं। फिर और क्या क्या कमी है? कृपया मुझे नीचे कमेंट में बताएं, लाइक बटन को स्मैश करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जाने से पहले उस नोटिफिकेशन बेल को पिंग करें। और अंत में, लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह एक नरक रहा है और मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि अगले ने क्या स्थापित किया है। चाहे कुछ भी हो जाए, शांत रहें और आगे बढ़ें। नया साल मुबारक हो सब लोग।